अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज ही एकम झांझर में। हमारा पता है सुरी घाट बाईपास रोड पड़ाव चौक मुंगेली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। एसटी एससी ओबीसी का सरकारी नौकरियों में आरक्षण व पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने व एनआरसी सीएए एवं एनपीआर को लागू करने के विरोध में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सामाजिक लोगों द्वारा दौरमी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। देखिए रिपोर्ट। एनआरसी सीएए एवं एनपीआर लागू होने से पूरे भारत में हड़कंप मचा है। इसी के चलते आज मुंगेली जिला के लोरमी ब्लॉक में भी लोगों को एनआरसी सीएए एवं एनपीआर के खिलाफ प्रदर्शन करते देखा गया, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और ईसाइयों को भारत की नागरिकता देने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 व सीएए के बाद हमारे गृह मंत्री द्वारा एनआरसी व एनपीआर को सख्ती से लागू करने व सीएए के मामले में एक इंच पीछे न हटने के बयान बार बार देने से देश के एससी एसटी ओबीसी व माइनर वर्ग में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है, जिसमें संविधान के मूल अधिकारों का हनन व खुला उल्लंघन किया जा रहा है। एनआरसी और सीएए जो कानून है सरकार द्वारा, जो धर्म के आधार पर है, जो भारतीय संविधान के मूल ढांचा को खत्म किया गया है इस संविधान के इस कानून के तहत, जिसके खिलाफ जिसके विरोध में हम लोग ये रैली निकाले हुए हैं। जो यहाँ मूल निवासी हैं एसटी एससी ओबीसी, उसके लिए बहुत खतरनाक है जो एनआरसी होना है, क्योंकि हमारा जन्म प्रमाण पत्र हमारा खुद ही नहीं है तो हम अपने मम्मी पापा का जन्म प्रमाण पत्र हम कहाँ से लाएंगे। जो हमारे पिताजी उनके नाम से पहले ज़मीन नहीं है, हमारे दादाजी के नाम में ज़मीन नहीं है, तो हम एनआरसी होगा तो उसमें तो हमारा नाम आएगा ही नहीं। तो मूलतः ये सरकार ऐसा जो यहाँ मूल निवासी है उसको यहाँ से एनआरसी के माध्यम से बाहर करने का एक षड्यंत्र है, और जो दूसरे देश से विदेशी जो आए हुए हैं उसको सीए के माध्यम से यहाँ रहने के लिए। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकारी नौकरियों में एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण इस वर्ग के प्रतिनिधित्व संवैधानिक है, इस प्रकार के सरकारी नौकरियों में आरक्षण से नियुक्ति व पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करना भी संविधान विरोधी है, अतः भारतीय समाज में समानता आने तक ये प्रक्रिया सतत रहनी कहा गया। और एसटी एससी ओबीसी के द्वारा कहा गया कि हमारे एनआरसी सीएए धर्म के आधार पर है, यहाँ के भारतीय मूल ढांचे को खत्म किया गया इस कानून के तहत, जिसके विरोध में आदिवासी भवन में एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि यहाँ के मूल निवासियों के लिए खतरनाक है एनआरसी। एक बैसाखी नहीं है, ये सिर्फ प्रतिनिधित्व कि हम समाज में कितने संख्या में हैं, तो चाहे राजनीतिक हो चाहे अपनी सामाजिक जो भी व्यवस्था है उसमें हम कितने प्रतिनिधित्व करें, यह आंकड़ा होता है न कि यह एक सहायता रूप में है आरक्षण। ये समाज के ठेकेदार से मैं ये पूछना चाहता हूँ और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जातिवाद कब खत्म होगा, इसके बारे में जो इसको लोग जन्मजात मौलिक अधिकार मान बैठे हैं समाज के ठेकेदार, मैं ये पूछना चाहता हूँ जातिवाद कब खत्म होगा। अगर जातिवाद अगर ख़त्म कर दिया जाए, वर्णवाद धर्मवाद ख़त्म कर दिया जाए और भारत में सिर्फ इंसान इंसान बनाया जाए, तो यह आरक्षण का हर चीज़ ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ देश में बचेगा अमीरी और गरीबी। जो गरीब होंगे उन्हें व्यवस्था दिया जाएगा। हम तो नहीं बोलते कि हमको आरक्षण दो, हम तो बोलते हैं जातिवाद खत्म करो, आरक्षण अपने आप खत्म होगा, आरक्षण अपने आप खत्म करेगा। मैं हूँ डॉक्टर श्रवण कुमार लांझीवार, एससी एसटी समाज लोरमी संयोजक एवं ब्लॉक अध्यक्ष है हिंदवार समाज। हमारे जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो हमारे पिताजी का कहां से होगा, न ही हमारे पास जमीन है, तो यह सरकार का षड्यंत्र है यहां के मूल निवासी को भगाने का और दूसरे देश से आए हुए विदेशियों को सीएए के माध्यम से रहने के लिए जगह दिया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सुपुर्द करते हैं। जनजाति और पिछड़ा वर्ग समाज लोरमी के द्वारा आज हम लोगों ने जो केंद्र सरकार के द्वारा काला कानून एनआरसी सीएए एनपीआर जो लाया गया है, जो कि हमारे देश में हम ही मूल निवासियों को अपने यहाँ के मूल होने का जो प्रमाण पत्र अपनी पहचान बताना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, जो कि आर्टिकल 15 जिसके माध्यम से हम देश के कोई भी नागरिक ने भाषा रहवासी धर्म जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता, जो कि आर्टिकल 15 का धज्जी उड़ाया जा रहा है। साथ ही साथ हम माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 19 फरवरी को बयान आया है वो बहुत ही दुखद है कि
आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं माना गया है, जो बयान आया है इसका हम पुरजोर हमारे भारतीय मूल निवासी समाज एस सी एस टी ओबीसी एंड माइनोरिटी बोले भारत माता की जय। जय संविधान, जय संविधान, जय भीम, जय भीम, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, एस सी एस टी समाज जिंदाबाद, एस सी एस टी समाज। लूरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आर जे रमझाझर।